सब सब ठीक ठाक होंगे, ईद के मजे ले रहे होंगे। आज ईद का दिन था और मेरा जो मैक्स है वो बेचारा मर गया। रात को एक तो काफ़ी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी, इस वजह से इसको थोड़ा फ्लू वगैरह हो गया था। और मुझे तो रात को ज़्यादा खबर नहीं हुई इस बारे में, सुबह जब मैं उठाऊँ तो देखा इसका पूरी हालत हो रही है इसकी। इसको फ़ौरन मैं उठा कर नीचे ले आया हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ के घर आया हूँ और आके देखा कि ये मर गया बेचारा। बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये तो मेरा पहला बच्चा था और मुझे इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था कि इसको किस तरह फीड करवानी है। तो ये बड़ा भी हो गया था, मैं इसको वैसे ही 20 ml में इसको फीड कराई जा रहा था, तो वो इसके मैदे में या फिर इसकी जो नाक में था वहाँ पे आके लगना शुरू हो जाता था। तो इस वजह से इसकी जो सांस का प्रॉब्लम, सांस का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। वो एक तो इन बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उनमें सिर्फ मतलब कि हफ्ता या फिर 3 से 4 दिन तक ये ज़िंदा रहता है, उसके बाद इनकी मौत पक्की है। तो मैंने फिर कई लोगों से पता किया, उन्होंने भी बताया कि आप इसकी जो है ना फीड कम कर दो। तो मैंने तो इसकी फीड कम कर दी, लेकिन वो जो पहले से इसकी नाक में लगा हुआ था ना और मैदे के अंदर जो चला गया था, जो भी इसके लंग्स वगैरह में, तो वो अब निकल तो सकता नहीं था। तो इसको मैंने आज सुबह इसको पैनाडोल की वो थोड़ी सी फीवर थी वो दी इसको, ताकि इसका जो नज़ला वगैरह है वो कम हो जाए। तो शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी आज ईद के दिन ये बेचारा चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।